हाय ऑल, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि SSH की हम कैसे जनरेट कर सकते हैं GitHub के लिए। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी रेपोजिटरी लेते हैं तो हम अगर उसे क्लोन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, HTTPS या SSH। तो HTTPS बाय डिफॉल्ट क्या करता है, प्रेफर करता है। तो अगर हमें SSH यूज़ करना है, मुझे क्लोन करना है HTTPS से नहीं, मुझे SSH से करना है। आप देख रहे हैं हमारे पास आ रहा अभी कोई पब्लिक की नहीं, ठीक है। तो दो टाइप की की होती है, एक होती है पब्लिक की, प्राइवेट की। पब्लिक की क्या है, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन प्राइवेट क्या है, वो सुपर सीक्रेट है एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब सपोज करिए मुझे अपनी की क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे जाऊँगा। मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने सेटिंग पे क्लिक किया, आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है SSH की एंड GPG की, आपने इस पर क्लिक किया। हमें SSH की करनी है, न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए टाइटल तो आ रहा है लेकिन की तो मेरे पास है ही नहीं अभी तक। अब मेन क्वेश्चन है की कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप बैक आता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है जनरेट SSH की का ऑप्शन। हम क्या करते हैं, इसे राइट क्लिक करके हम न्यू विंडो पे ओपन करते हैं। अब हमने जैसे ही ओपन किया, आपको यहाँ SSH दिख रहा है, आप SSH देख सकते हैं। तो आपको पता है कि हम दो HTTPS है। HTTPS क्या है, एक तरीके से हम पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो पासवर्ड में क्या होता है, आप जैसे लॉग इन कर रहे हैं, आप पासवर्ड दे रहे हैं, अब आपको पता ही है कि पासवर्ड क्या, हम लोग क्या होता है 1234 दे देते हैं, ABCD 1234 या एडमिन 1234। तो SSH क्या है, एक तरीके से ये क्या है, एक की है जो आपकी आपके सिस्टम पे स्टोर हो जाती है, ठीक है ना, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। तो अब क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो आपकी प्राइवेट की लोकल मशीन से होगा। तो अब क्या है कि ये क्या है, एक तरीके से और ज़्यादा सिक्योर है। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम ज़्यादातर क्या करते हैं, SSH। ऐसा नहीं है कि HTTPS भी है, लेकिन हम ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक तरीके से हमें प्रेफरेंस क्या मिलती है, SSH की। तो अगर मुझे की जनरेट करनी है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आप क्लिक करें जनरेटर न्यू SSH की। अब आपने जैसे ही जनरेट पे क्लिक किया, अब हमने किस पे करना है, आपने क्या करना है, हम विंडोज पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कमांड। अब आपने ये कमांड उठानी है, आप कॉपी कर लीजिए इसे, मैं अपने नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपने नोटपैड में ओपन किया, इसको पेस्ट किया, आपने इसकी जगह क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी दे देनी है जिससे आपका अकाउंट है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, किसी भी पाथ पे जाके आपने राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर करना है। हमने गिट बैश शेयर किया, आपने ये कमांड उठाई, आपने क्या करना है, कंट्रोल सी, ओके। अब देखिए इसमें भी एक है कि अगर आपका सिस्टम डिपेंड करता है कि अगर आपका लेगेसी सिस्टम है, ठीक है, तो आप ये कमांड यूज़ करें। अब क्या कर रहा हूँ, मैंने ये करा ओपन करके, मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जनरेटिंग फाइल की, ओके, एंटर फाइल इन विच से। अब मुझे इस पाथ पे सेव करनी है, मैंने क्या करा, एंटर करा। अब ये क्या है, आपसे पूछ रहा है पास फ्रेज। अगर आपने कुछ सिक्योर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं अभी के लिए एज इट इज एंटर मार देता हूँ, ठीक है। अब आपके पूछा रहा है कि सेम आपने अगर रिपीट करना था, मैंने कुछ नहीं दिया था तो मैंने एज इट इज एंटर कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि मेरी SSH की क्या हो गई, जनरेट। किस पाथ को, ये सी के अंदर यूजर SSH, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस पाथ के अंदर जाता हूँ, मैंने क्या करा, इस फोल्डर के अंदर चले गए, ठीक है, सॉरी वन सेकेंड, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एच पी के अंदर जाना था मुझे, SSH.SSH, मैं .SSH के अंदर गया। अब आप दिख रहे हैं एक है पब्लिक और ये क्या है, प्राइवेट, ठीक है। आपने क्या करना है, इसे राइट क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप किसी में भी ओपन कर सकते हैं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसे ओपन विथ करता हूँ नोटपैड में करता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ इसे नोटपैड में, अब ये की बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने क्या करना है, यहाँ पर की का आ रहा था SSH की, ठीक है ना, हम यहाँ पर थे। अब मुझे ऐड न्यू SSH की करना है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ठीक है, की, ओके, मैंने की लिख दिया। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, ठीक ना, मैंने ओके, और मैंने यहाँ पर की को पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, ऐड SSH, ठीक है। अब जैसे ही आपने ऐड SSH किया, आपकी की क्या हुई, ये ऐड, ओके। अब आप देखें, अगर आप, मैं इसको होम पेज पे जाऊँ, ठीक है, मैं अगर इसको बैक कर दूँ, इसको होम पे चले जाता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। अगर मैं होम पे गया और मैंने इस पे विजिट किया, अब देखिए अगर मैं अब क्लोन करना चाहूँ ना, अब आपके पास आ नहीं रहा है कि ऑप्शन कि आपकी की नहीं, क्योंकि अब मेरी की पहले से जनरेट है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, SSH की जनरेट कर सकते हैं और आप SSH से भी क्लोन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।